पिता बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था। बेटा इतना मेधावी नहीं था कि पीएमटी क्लियर कर लेता, इसलिए दलालों से एमबीबीएस की सीट खरीदने का जुगाड़ किया गया। जमीन जायदाद जेवर गिरवी रख के 35 लाख रुपए दलालों को दिए, लेकिन वहाँ धोखा हो गया। फिर किसी तरह विदेश में लड़के का एडमिशन कराया गया, वहाँ भी चल नहीं पाया। फेल होने लगा, डिप्रेशन में रहने लगा। रक्षाबंधन पर घर आया और यहाँ फांसी लगा ली। 20 दिन बाद माँ बाप और बहन ने भी कीटनाशक खा के आत्महत्या कर ली। अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की झूठी महत्वाकांक्षा ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। माँ बाप अपने सपने अपनी महत्वाकांक्षा अपने बच्चों से पूरी करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को टॉपर बनाने के लिए इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं कि बच्चे का स्वाभाविक विकास ही रुक जाता है। आधुनिक स्कूली शिक्षा बच्चे की अवैल्यूएशन और ग्रेडिंग ऐसे करती है जैसे सेब के बाग में सेब की खेती की जाती है। पूरे देश के करोड़ों बच्चों को एक ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल के सभी पशुओं को एकत्र कर सबका इम्तिहान लिया जा रहा है और पेड़ पर चढ़ने की क्षमता देख के रैंकिंग निकाली जा रही है। यह शिक्षा व्यवस्था ये भूल जाती है कि इस प्रश्न पत्र में तो बेचारा हाथी का बच्चा फेल हो जाएगा और बंदर फर्स्ट आ जाएगा। अब पूरे जंगल में यह बात फैल गई कि कामयाब वो जो झट से कूद के पेड़ पर चढ़ जाए, बाकी सबका जीवन व्यर्थ है। इसलिए उन सब जानवरों के जिनके बच्चे कूद के झटपट पेड़ पर न चढ़ पाए, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए। वहाँ पर बच्चों को पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है। चल पड़े हाथी, जिराफ, शेर और सांड, भैंसे और समुद्र की सब मछलियाँ भी चल पड़ी अपने बच्चों के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर। हमारा बिटवा भी पेड़ पर चढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। हाथी के घर लड़का हुआ तो उसने गोद में लेकर कहा, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हमारा बिटवा पेड़ पर चढ़ेगा। और जब बिटवा पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो हाथी ने सपरिवार खुदकुशी कर ली। अपने बच्चों को पहचानिए, वो क्या है ये जानिए। हाथी है या शेर है, चीता है या जिराफ है, ऊंट है या मछली है, या फिर हंस मोर या कोयल, क्या पता वो चींटी ही हो। और यदि चींटी है आपका बच्चा तो हताश निराश न हो। चींटी धरती का सबसे परिश्रमी जीव है और अपने खुद के वजन की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इसलिए अपने बच्चों की क्षमता को परखें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।